अजीजा ने गिरामे वकार, सरकार बगदाद उनकी करामात अपनी जगह पर, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ अहम गोशे में लेकर आज हाजिर हूं। आज हमारे हालात के एतबार से भी जरूरत है इसकी। जब आप परवान चढ़ते रहे अपनी माँ की गोद में, बहुत जल्दी आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, आपसे खुद पूछा गया था गौसे पाक से आपकी जवानी में, या जब आपका शोहरा बगदाद में बहुत हो गया तब पूछा गया था, आपको अपने वली होने का एहसास कब हुआ? गौसे पाक से ही पूछा गया था, आपको कब पता चला अल्लाह ने आपको विलायत का ये मकाम अता किया? आप फरमाते हैं, जब मैं 10 साल का था, मदरसे जाता था तो गैब से एक आवाज आती थी, इफ्सहू फिल मजालिस लिवलीहिल्लाह, गैब से आवाज आती थी, ऐ लोगों मजलिस में जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। ये आवाज सिर्फ मैं नहीं, मेरे उस्ताद भी सुनते, वहां बैठे शागिर्द भी सुनते, और सब खड़े होते थे, जगह देते थे। गौसे पाक फरमाते हैं, जब हर बार मुझे ये आवाज आने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे विलायत का ताज पहनाया है। फिर आपको लहू लाइब में, खेल कूद में नहीं रखा गया। फरमाते हैं, एक बार मैं सिर्फ एक गाय की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, गाय पलट गई, फंसी अरबी में कहने लगी, अलिहादा खुलित अम बिहादा उमिरत या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर, क्या तुझे इसी काम के लिए पैदा किया गया, या तुझे अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया कि मेरी पूंछ पकड़े? गौसे पाक फरमाते हैं, मैं चौंक गया कि एक जानवर मुझसे अरबी में बात कर रहा है। और उसके बाद वो गाय खुद कहने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, तुझे अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए बनाया है, अपने बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए। गौसे पाक फरमाते हैं, इसके बाद जिंदगी में कभी खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, कभी तस्वर भी नहीं किया। और जब आप जीलान से निकलकर बगदाद आए, बगदाद के जो हालात थे वो आपने बहुत करीब से मुशाहिदा किया। मेरे अजीजों, आज के जो हालात है ना, आज के जो हालात मैंने पढ़ा, इससे भी ज्यादा डेंजर हालात उस जमाने के थे। आज लोग हालात की शिकायत करते हैं, बहुत सारे उलमा मौलाना हमसे कहते हालात अब सही नहीं है, वैसे नहीं है पहले। मैं तुम्हें गौसे पाक के हालात बताता हूं, उस वक्त सियासी हालात क्या थे। उस वक्त सियासी हालात इतने खतरनाक हो चुके थे, बगदाद में शियों ने अपना गढ़ जमाया था, यहां तक कि हर आलिम पर, हर वाइस पर, हर इमाम मस्जिद पर पाबंदी थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर का कोई नाम नहीं ले सकता था, कोड़े मारे जाते थे। शेखैन का अगर किसी ने नाम ले लिया किसी आलिम ने, कोड़े मारे जाते थे। खलीफा वासिक बिल्ला तक ये तारीख चली बगदाद में, और सल्तनतें टूट चुकी थी, सियासी हालात इस कदर खराब हो चुके थे, छोटी छोटी टुकड़ियों में बट चुके थे मुसलमान। मिस्र की तरफ देखें तो फातिमी हुकूमत कायम हो गई थी, वो अपने आप को फातिमी कह रहे थे। बगदाद में अब्बासी खानदान हुकूमत कर रहा था, और वो भी सिमट करके सिर्फ बगदाद के अतराफ रह गई बस। फिर तुर्की की तरफ देखें तो सल्जूकी खानदान था, एक एक टुकड़ा हुकूमत कर रहा था, और ये ही आपस में दस्त बगरेबां थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। और फिर प्लस इस पर ऐसा कि बाजंतीनी जो ईसाई थे, सलीबी थे, इन सल्तनतों को आपस में लड़ा करके इस कदर शिद्दत पैदा कर चुके थे कि बगदाद वाला मिस्र नहीं जा सके, मिस्र वाला तुर्की ना आ सके। फिर इधर बुखारा, समरकंद, नेशापुर, ये जो रशिया में है आज, उज़्बेकिस्तान वगैरह में, यहां अलग एक सल्तनत कायम थी, और हिंद में अलग कुफ्रिस्तान था। सब जगह अलग अलग हालात थे, और मुसलमानों के लिए उस जमाने में ऐसे हालात हो गए जैसे लॉकडाउन अभी का सेम। मैं आपको बता दूं सिचुएशन लॉकडाउन में क्या हुआ था मालूम है? ये हमारे तलबा देखें, 8 महीने से बैठे हुए हैं, मदारिस में नहीं गए, हिफ्ज़े कुरान कर रहे थे, आलिम दीन बन रहे थे, मदरसे बंद है ना, घरों में बैठे कुछ तो आवारा गर्दी कर रहे हैं। इसी तरह कॉलेज के बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी, सब छूटे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। सेम यही सिचुएशन उस जमाने में हुई। बगदाद इल्मी मरकज था, कूफा और बसरा इल्म के मरकज थे। आपसी रंजिशों की वजह से बादशाहों की
तलबा एक जगह से दूसरी जगह का सफर नहीं कर सकते थे, बगदाद के सारे मदरसे बंद पड़े हुए थे क्योंकि तलबा आ नहीं सकते। कहां से आए तुम? मिस्र से आए, वापस जाओ। इस सल्तनत में क्या कर रहे हो? इस तरह की सख्तियां। यहां तक कि यही जमाना है जब हसन बिन सबाह नाम का एक ऐसा मुनाफिक जिसने उस जमाने के बादशाहों को खरीद लिया और कुछ लोगों को नशे का खूगर बनाया, हशीशीन वगैरह आपने सुना हो, सलाउद्दीन अयूबी का जमाना है। गौसे पाक से सिर्फ 4 साल बाद सलाउद्दीन अयूबी आए, सिर्फ 4 साल बाद। उस जमाने में हसन बिन सबाह ने हजारों नौजवानों को नशे का आदि बना दिया था, हजारों नौजवान। और कैसा नशा? कुकेन, अफीम वगैरह सब तो लेकर के तो लोग होश में आ जाते हैं। वो ऐसा था कि उसने जो नशा दिखाया था, एक छोटे से कमरे में उनको रखता और उन्हें बताता कि ये दरख्त हैं, ये नहर है, ये महल है, ये हूर है, तो उसे वो जन्नत ही समझते थे। और फिर उस कमरे से बाहर निकालता उसको, तड़प तड़प के आदमी मर जाता कि मुझे मेरी जन्नत में वापस करो। वो जन्नत नहीं, कमरा होता था, लेकिन नशा उसे ऐसा कराया जाता था कि उस कमरे को वो जन्नत समझने लगता था। और उन नौजवानों से क्या कराया जाता था? उनको नशे का आदि बना करके बाहर निकाला जाता, उन्हें टारगेट दिया जाता, फलां मजलिस में जाओ, फलां खलीफा को कत्ल करो, फलां वजीर को मारो, फलां सिपाहियों को मारो, फलां आलिम दीन का कत्ल करो। और वो अपना टारगेट पूरा करके आते इसलिए कि उन्हें नशा चाहिए था। वो एक दिन दो दिन से ज्यादा उस नशे के बगैर रह नहीं पाते हैं, वो अपना टारगेट करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। इस तरह के कई हमले खुलफा पर कराए हसन बिन सबाह ने। और जानते हैं, मैंने आज तारीख देखी, हसन बिन सबाह ने उलमाए अहले सुन्नत को उस जमाने के 40,000 उलमा को कत्ल कराया। ये वो जमाना था जब बगदाद का हाल यह था कि नशा ज्यादा हो चुका था, इल्मे दीन के मराकिज बंद हो रहे थे और उलमा बोलने में हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे। और सल्तनतें आपस में एक दूसरे से टकरा रही थीं। जो खलीफा बैठता वो निहायत ही अय्याश किस्म का खलीफा आता था। अक्सर खलीफा अय्याश आए, उनके हरीम में, उनके हरम खाने में, यानी उनके महल में 40-40 औरतें हुआ करती थीं जिनके साथ वो वती करते, जिमा करते। जबकि वो मुसलमान खलीफा, एक बादशाह के लिए चाहे कोई भी हो 4 से ज्यादा की इजाजत है, 40-40 कनीजाओं के साथ वो जिंदगी गुजार रहे होते। उसमें ईसाई भी होती, यहूदी भी होती, सब किस्म की होती। ये खुलफा का हाल था। तुम क्या कह रहे हो हमारे जमाने को? अरे हालात बुरे हैं, हालात बुरे हैं। अभी और मैं बताऊं कितने बुरे हालात उस जमाने में थे। उलमा को कोड़े मारे जाते थे अगर बोले। अरे शेखैन का नाम लेने पर पाबंदी बगदाद में लग गई हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर का नाम लेने पर कोड़े मारने लगाए जाते। ऐसे हालात में शहंशाह बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद आए हैं जब आपकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। 18 साल की जवानी में आपने मुलाहिजा किया, हालात को देखा, तालीम हासिल की बड़े बड़े असातिज़ा से। आपके असातिज़ा फिक्र में अलग हैं, हदीस में अलग हैं, तफसीर में अलग हैं, इल्मे कलाम में, कई उलूम व फ़नून पे आपने महारत हासिल की। उसके बाद हालात देख करके आपने क्या कहा? ये अब यहाँ से मैं हर एक आलिम दीन के लिए बशमूल मन मेरे लिए नसीहत समझता हूँ, गौर से सुन लें। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया, और शायद मैंने भी कभी कई मरतबा इस तरह सोचा है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुने, हालात को देख करके गौसे पाक ने जंगल का रुख इख्तियार कर लिया। क्या लेना देना है इस दुनिया से? और आप खुद फरमाते हैं, आप कहते हैं, मेरा इरादा हुआ जंगल में ऐसी जगह रहूं कि ना मुझे मखलूक देखे और ना मैं मखलूक को देखूं, इबादत में ऐसे मसरूफ हो जाऊं। जंगलों में आप इबादत करते रहे, लेकिन फरमाते हैं मुझे गैब से आवाज आई अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, कहा ए बंदे कादिर, आपका नाम ही अब्दुल कादिर है,
ऐ कादिर के बंदे, तुझे अल्लाह ने जंगलों के लिए नहीं बनाया, उम्मत मुस्तफा की रहनुमाई कर, खल्के खुदा तुझसे नफा हासिल करे, वापस आ जा। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा इरादा तो था कि मैं अपनी जिंदगी अल्लाह की याद में फना कर दूं, लेकिन मैं शहर सिर्फ इसलिए वापस आया कि जंगल में सिर्फ मेरी इस्लाह हो सकती है, शहर में पूरी उम्मत की इस्लाह हो सकती है। उलमा के लिए यही आज नसीहत है, तुम चाहे तो गद्दी नशीन बन जाओ, सज्जादा नशीन बन जाओ, झोली नशीन बन जाओ, जंगल नशीन बन जाओ, हो सकता है तुम्हारे अपने फायदे के लिए तुम सोच सकते हो। मैंने अभी ये कहा, मेरे दिल में इरादा था कि गोशा नशीन होकर के अपनी इबादत करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें, नहीं। उलमा को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है उम्मत मुस्तफ़ा की रहनुमाई के लिए, यह अमानत है, चाहें तो भी छुप ना सकें। अजीज़ा ने गिरामे वक़ार, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस बगदाद आए। अच्छा, वो इतनी इबादतों के अरसे में जानते हैं कहाँ कहाँ का सफ़र नहीं किया उन्होंने, जंगलों का सफ़र, सहराओं का सफ़र, बयाबानों का सफ़र, यहाँ तक कि श्रीलंका की सरजमीन तक पहुँचे, मुल्तान तक आए। ये तारीख की किताबें बताती हैं, आपने पैदल ये सारे सफ़र किए, फिर वापस उसी बगदाद आए जहाँ के हालात बड़े ही कशीदा थे, और खुलफाए वक्त के खिलाफ जुबान खोलना ये आग से खेलने के बराबर था, आग से खेलने के बराबर था। और सबसे बड़ा मसला तो गौसे पाक के लिए ये था कि आप बगदाद के नहीं थे, इराक के नहीं थे, आप जीलान से आए थे। जीलान ईरान में है, उस जमाने में तबरस्तान एक सूबा था, तबरस्तान का एक शहर जीलान था, जीलान से आए हुए थे बगदाद में। आपकी जुबान फारसी थी, फारसी जुबान का एक तालिब इल्म बगदाद में आया है, और बगदाद पूरा अरबियों का है, फसीह अरबी बोलने वाले लोग, और नहायत ही अय्याशी में पड़े, इनकी इस्लाह कैसे करें। दिल में बार बार ये एहसास होता, गौसे पाक फरमाते मेरी जुबान फारसी थी और इनकी जुबान अरबी है, मैं इनसे खिताब कैसे करूं, इनको इस्लाह के रास्ते पर कैसे लाऊं। बार बार सोचते थे, लेकिन दिल में एक दर्द होता था कि उम्मते मुस्तफ़ा को इस हाल में मैं नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन एक मस्जिद में गमगीन हालत में सोए, जोहर का वक्त था, नमाज पढ़ करके आप आराम कर रहे हैं, और जैसी आंख बंद हुई सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पूछा, अब्दुल कादिर क्यों गमगीन है मेरे बेटे? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुबान मेरी अजमी है, फारसी, मैं अरबियों के बीच बैठा हूँ, इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ये अजमी समझेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपना मुंह खोल। आपने मुंह खोला, हुजूर पाक ने अपना लुआबे पाक डाला, दूसरी बार डाला, तीसरी बार डाला, चौथी बार डाला, पांचवी, छठी, सात मरतबा हुजूर पाक ने अपना लुआबे पाक दिया, और कहा, अब्दुल कादिर अब उठ और बयान कर। फरमाते हैं, ख्वाब में मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे पाक लिया, थोड़ी ही देर गुजरी थी, मेरे ख्वाब में ही मेरे जद्दे करीम मौलाए कायनात अली मुर्तजा तशरीफ लाए। कहा, फिर वही सवाल किया, अब्दुल कादिर क्यों नहीं बयान करते? कहा, मैं फारसी उन नस्ल, फारसी हूँ और अरबियों के बीच में हूँ। उन्होंने कहा, तू अपना मुँह खोल। बाबुल इल्म, बाबे मदीनतुल इल्म अली करमल्ला वजहुल करीम अपना लुआबे पाक डालते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, बस किया। गौसे पाक ने कहा, नाना जान ने मुझे सात मरतबा पिलाया, आपने छह मरतबा। अली करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं बराबरी तो नहीं कर सकता, वो रसूल कायनात हैं। अजीज़ा ने गिरा में वखा, गौसे पाक फरमाते हैं, फिर मेरी आँख खुली, और उसी जामा मस्जिद में जब मैं खड़ा हुआ और खिताब के लिए लोगों को पुकारा, तो देखा इधर से भी मखलूक आ रही है, उधर से भी आ रही है, सामने से भी आ रही है, मजमा इतना कसीर के तिल धरने की जगह मस्जिद में नहीं थी। और जब आपका खिताब ख़त्म होने को था,
लोग अपने कपड़े फाड़ने लगे और बेहोश होने लगे। इतने तीर बहादुर कलमात थे कि सीधे सीने में पैवस्त हो जाते, दिलों में उतर जाते। उसके बाद वही दिन था सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी को लोगों ने हाथों हाथ उठाया, बगदाद में शोहरा हो गया कि कोई एक अजमी आया है और अरबियों पर फौकियत ले गया है। सारे अरबी उसके सामने दंग रह गए हैं, कोई अरबी उसकी फसाहत को नहीं पहुंच पाता है। कई लोग इम्तिहान के लिए भी आए, ऐसा नहीं है कि गौसे पाक को यूं ही छोड़ दिया गया। मेरे अजीज, तुम तो हजार साल के बाद करामतें सुनते हो ना, यही लगता है कि गौसे पाक बहुत करामतों के मालिक थे, बहुत बड़े आलिम और बड़े वली कामिल थे, कुछ नहीं हुआ होगा उनके साथ। हमारे से ज्यादा खतरे उन्होंने मोले हैं, हमसे ज्यादा हासिदीन उनके थे, दुश्मनी करने वाले अपनों में भी बहुत सारे थे। गौसे पाक रब्बुल्लाह तआला का जब खिताब शुरू हुआ, क्या एक खतीब जब मशहूर होने लगे तो दूसरे मौलवी खामोश रह जाएंगे? हसद की चिंगारी भड़कती है, वो गौसे पाक के खिलाफ भी भड़की। और बगदाद में जब ये शोरा होने लगा तो कई उलमा उस वक्त के जो बड़े बड़े पाए के आलिम हैं, उनकी किताबें आज भी मौजूद हैं, मैं नाम तस्करे नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने टेस्ट लेने की गरज से, इम्तिहान लेने की गरज से कई लोगों को सवालात भेजे। एक दिन मजलिस में ऐसा था कि गौसे पाक तफसीर कुरान बयान करते थे, तफसीर कुरान बयान करना गौसे पाक का महबूब मशगला था, रोजाना कुरान की तफसीर अर्ज करते। एक दिन मजलिस में बड़े बड़े उलमा की जमात, जिसमें अब्दुल रहमान जोजी जैसे बड़े फकीह मुहद्दिस हैं, इनकी एक जमात आई। कुरान की जो आयत की तफसीर वो कर रहे थे, उस तफसीर को कई किताबों से उन्होंने अखज़ किया और लेकर के आए, मजमे में बैठे हैं। गौसे पाक ने तफसीर शुरू की। एक आयत की कितनी तफसीरें हो सकती हैं, कितनी तफसीरें हो सकती हैं। एक तफसीर बयान किया, उसके बाद कहा इस आयत की एक दूसरी तफसीर ये है, फिर थोड़ी देर के बाद गौसे पाक ने फरमाया इसकी एक तीसरी तफसीर ये है, फिर कहा उसकी एक चौथी तफसीर ये है, फिर कहा उसकी एक पांचवीं तफसीर ये है। बयान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ तक के 13 तफसीरें हो गई। जो बैठे हुए थे वो आशाश करने लगे। उसके बाद इतना ही नहीं, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते गए। 40 तफसीरें एक आयत की आपने बयान की। जो आए थे वो खड़े हो गए और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने लगे। गौसे पाक ने उनको मुखातब करके कहा, ऐ गिरोहे उलमा, ऐ जमाते उलमा, तुम 13 तफसीरें याद करके आए थे एक आयत की, क्या वो मैंने शुरू से 13 तक सही बयान किया? सब अपने जुब्बे उठाने लगे। कहा, हम तो ये 13 तफसीरें पढ़कर आए थे ये सोच करके कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी को 2-3 से ज्यादा तफसीरें नहीं आती होंगी। 13 के बाद आप तो 40 तक पहुंचे, वहां तो हमारा भी इल्म नहीं पहुंचा। जमाते उलमा दंग रह गए और उसके बाद तोबा भी किया, कहा हमारे दिलों में बदगुमानी आ गई थी, हम तोबा करते हैं। गौसे पाक रब्बुल्लाह तआला नू एक और मजमा है, एक और मजमा ऐसा है कि उसमें 40 के करीब उलमा है, सवालात अलग 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 लेकर के फंसाएंगे किसी तरह से इनको, डिफिकल्ट साथ लेकर। गौसे पाक रब्बुल्लाह तआला नू एक जमात से खिताब कर रहे हैं, 40 उलमा है, अलग 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 सवालात नोट करके, मैं ये पूछूंगा, तुम ये पूछना, तुम ये पूछना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना खिताब किया और सवालात के लिए उस दिन महफिल का वक्त ही नहीं दिया, कहा आज सवालात कोई नहीं करेगा। वो लोग तो सवालात लेकर के आए थे, सब मजमे में खिताब के बाद जिसको जो पूछना है आप कहते हैं कि पूछ लो, उस दिन का कोई नहीं पूछेगा, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ। तो ये जो उलमा की जमात थी इनको बुलाया, एक आते उनको सीने से सीना लगाते और कहते तेरा ये सवाल था उसका ये जवाब है, दूसरा आता उससे कहते तू ये घर से सोच के आया था, तेरा सवाल ये है उसका जवाब ये है। इस तरह 40 से मुसाफा किया, मानका किया, उनके सवालात के पूछने से पहले जवाबात भी दे दिए और उसके बाद कहा क्या है गिरोह उलमा, तुम सवाल करते और मैं जवाब देता।